शरीफों ने लाहौर में कोई बड़ा तरक्याती मंसूबा शुरू नहीं किया। आवाम की खिदमत करना नवाज शरीफ राना सनाउल्लाह के करीब से भी नहीं गुजरा। वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज लाही का तकरीब से खिताब, कहते हैं कि इमरान खान ने मुझ पर एतमाद किया, वजीर आला बनाया, उनके साथ कैसे छोड़ूँ। इमरान खान ने पीटीआई में जम होने के लिए मोनिस लाही को दावत दी थी। पीटीआई में अभी जम नहीं हुए, उन्हें तकलीफ शुरू हो गई। इंजमाम के हवाले से मुशावरत जारी है, अभी तो हल्के में जाकर लोगों से भी मुशावरत करनी है। वज़ीर आला पंजाब ने दाता दरबार पार्किंग प्लाजा और इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के मंसूबे का संगे बुनियाद रख दिया। मंसूबा 6 माह में 3 अरब रुपये से ज़ायद की लागत से मुकम्मल होगा। 2 तहखानों और 6 मंजिलों पर मुश्तमिल पार्किंग प्लाजा 7 किनाल 88 पर तामीर किया जाएगा। पार्किंग प्लाजा में 500 से ज़ायद गाड़ियाँ पार्क की जा सकेंगी अंडर पास के जरिए। पार्किंग प्लाजा को दाता दरबार बेसमेंट से मुंसलिक किया जाएगा। मंसूबे से भाटी गेट, मोरी गेट, बलालगंज और दीगर मुल्हिका इलाके के अवाम मुस्तफीद हो सकेंगे। जो लीडर ऑफ अपोजिशन ने अपनी जिम्मेदारी अदा करनी है वो बार सूरत शाम तक अदा हो जाएंगे, और जो नाम हमारी तरफ से सजेस्ट होंगे वो नाम हम गवर्नर साहब को भिजवा दें। बिटवीन द लीडरशिप है अभी ये बातचीत। निगरान वजीर आला की तकर्री के लिए मुशावरत का आखिरी रोज, मुस्लिम लीग नून ने भी 3 नाम फाइनल कर लिए। मलिक अहमद खान का निगरान वजीर आला के नाम बताने से इनकार, कहते हैं कि इत्तेहादियों से मुशावरत के बगैर नाम बताना मुनासिब नहीं। शहबाज शरीफ आज शॉर्टलिस्ट के नाम आसिफ अली जरदारी के सामने रखेंगे। आसिफ अली जरदारी से मुशावरत के बाद 3 नाम गवर्नर को भिजवा देंगे। नून लीग का दोबारा नासिर महमूद खोसा से राबता करने का भी फैसला, नासिर महमूद खोसा को दोबारा ओहदा कबूल करने की दरख्वास्त की जाएगी। नासिर महमूद खोसा इससे कबल निगरान वजीर आला बनने से माजरत कर चुके हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कौमी असम्बली में वापसी का प्लान, चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने आज पार्टी की सीनियर क्यादत का इजलास तलब कर लिया। इजलास में कौमी असम्बली में वापसी के लिए तजावीज पर मुशावरत होगी। राजा रियाज को अपोजिशन लीडर से हटाकर पार्टी का अपोजिशन लीडर लाने की हिकमत अमली पर गौर होगा। नून लीगी अराकीन ने कौमी असम्बली के पीटीआई से रबते, मुस्लिम लीग नून के 15 के करीब अराकीन रबता कर रहे हैं। ये अराकीन एतमाद के वोट में गैर हाजिर होंगे। रहनुमाओं की चेयरमैन पीटीआई को ब्रीफिंग, सिर्फ उन अराकीन असेंबली से टिकट की हामी भरी जाए जिनको एडजस्ट कर सकते हैं। इमरान खान ने पार्टी की आदत को पॉलिसी दे दी। आम इंतखाबात जल्द होंगे, पीटीआई भारी अक्सरियत से कामयाब होगी। मुखालिफीन को कौमी असेंबली में भी सरप्राइज देंगे। पंजाब असेंबली इमरान खान की अमानत थी, जब इमरान खान ने कहा अमानत वापस कर दी। वजीर आला पंजाब परवेज इलाही की स्पीकर सप्तैन खान और राजा बशारत से मुलाकात में गुफ्तगु। मुनाफा खोरों की मनमानियां जारी, मार्केट में सब्जियों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। अदरक 460, प्याज 270 रुपये किलो तक पहुंच गया। मेथी 100 और आलू 50 रुपये किलो तक बिकने लगे। मौसमी फल भी महंगे, मौसमी 250 और किन्नू 260 रुपये दर्जन तक दिस्या। चिकन की कीमत में कमी आने लगी, मुर्गी का गोश्त 18 रुपये सस्ता, कीमत 479 रुपये किलो हो गई। अंडों की कीमत में इस्तेहकाम, फी दर्जन अंडे 289 रुपये की सतह पर बरकरार। मार्केट में फी अंडा 26 रुपये तक फरोख्त होने लगा। महकमे खुराक के दावे हवा हो गए, गंदम कोटा और आटे की सप्लाई पूरी होने के बावजूद भी आटे का बहरान। ओपन मार्केट में आटा 75 रुपये किलो तक बिकने लगा। मुतअद्दिद स्टोर्स पर 10 किलो आटे का थैला 750 रुपये में फरोख्त होने लगा। वुकला का 8 रोज से जारी धरना 1 हफ्ते के लिए मौखर करने का ऐलान, सदर लाहौर बार इंतजार हुसैन कहते हैं अदलिया के साथ मामलात मुजाकरात से हल करना चाहते हैं। इज्जत नफ्स पर कोई समझौता नहीं करेंगे, तौहीन अदालत की सजा पाने वाले वकील को गिरफ्तार नहीं होने देंगे। सा
साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार अब्दुल लतीफ अफरीदी का कत्ल, जिला कचहरी समेत मातहत अदालतों के वकला में जुजवी हड़ताल, 20,000 से ज्यादा मुकदमात बगैर कार्रवाई के मुलतवी, वकला का अदालतों में सिक्योर। जिला कचहरी में इंतशार अंगेज तकारीर करने का केस, कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर ने ब्रिगेडियर रिटायर्ड मुसद्दिक कवासी की तलबी की दरख्वास्त दायर कर दी, केस की समाअत 17 फरवरी तक मुलतवी। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर ने कहा कि मुसद्दिक कवासी की ईमा पर मुकदमा दर्ज किया गया, हर उस शख्स को माइनस होना पड़ेगा जिसको अवाम मुस्तरद करेगी। पंजाब हुकूमत के तमाम दावे बातों तक महदूद, 4.5 सालों में एक भी नया स्कूल कायम नहीं किया जा सका। बुज़दार सरकार ने 100 स्कूल किराए की इमारतों में कायम करने का ऐलान किया, लेकिन 2 मोबाइल स्कूल चलाने का वादा भी पूरा ना कर सकी। पुराने स्कूलों की तामीरें न हुई, ना ही अपग्रेड स्कूलों को सहूलियात मिली। पंजाब में 3 हुकूमतें बदली, लेकिन लाहौर का वाटर सप्लाई और सीवेज इंफ्रास्ट्रक्चर ना बदला। अगस्त 2018 से जनवरी 2023 तक सीवरेज और वाटर सप्लाई का कोई भी मेगा प्रोजेक्ट मुकम्मल ना हुआ। 17 स्कीमों पर वासा इंतजामिया काम का आगाज भी ना कर सकी। लोड शेडिंग का जिन बेकाबू, लेस्को को 250 मेगावाट बिजली के शॉर्ट फॉल का सामना। शहरी इलाकों में 2, दही इलाकों में 3 घंटे तक बिजली गायब रहने लगी। बिजली की गैर ऐलानिया लोड शेडिंग से शहरी परेशान। खुश्क और सर्द मौसम की लहर जारी, लाहौर का कम से कम पारा 1 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान। 24 घंटे में मौसम सर्द रहेगा, बारिश का कोई भी इम्कान नहीं, महकमा मौसमियात। बागों के शहर से फिजाई आलूदगी कम ना हो सकी, शहर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 216 तक पहुंच गया। शाहदरा 361, शिमला पहाड़ी में 274 AQI रिकॉर्ड। फिजाई आलूदगी के बायस शहरियों को सांस लेने में दुश्वारी। FIA ने इश्तिहारी समेत 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर दिया। मुलजिमों से पाकिस्तानी पासपोर्ट, लेटर हेड और दीगर सामान बरामद, तहकीकात जारी। तर्जमान के मुताबिक इश्तिहारी अजीम को समनाबाद, जबकि मुलजिम उस्मान को जौहर टाउन से गिरफ्तार किया गया। जेरे तरबियत ASPs का सेंट्रल पुलिस ऑफिस का मुतालियाती दौरा, वफ्द को पंजाब पुलिस के पेशावराना अमूर, वर्किंग और जराइम की शरह बारे ब्रीफिंग दी गई। IG पंजाब आमिर जुल्फिकार खान ने वफ्द के शुरका के मुख्तलिफ सवालात के जवाब भी दिए। IG पंजाब और जेरे तरबियत अफसरान के माबेन यादगारी सेमिनार्स का भी तबादला। तमाम टीचिंग डिपार्टमेंट अपने डेली वेजेस मुलाजमीन को खुद तनख्वाहें देंगे। पंजाब यूनिवर्सिटी सिंधी गेट ने नई पॉलिसी की मंजूरी दे दी। 100 से ज्यादा डिपार्टमेंट्स के सरबराहान को हिदायत जारी कर दी गई। इंसदादे पोलियो मुहिम का दूसरा रोज, पहले रोज 4,33,565 बच्चों को पोलियो वैक्सीनेशन की गई। डिप्टी कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली की जेर सदारत इजलास हुआ। इंसदादे पोलियो मुहिम के पहले रोज की कारकर्दगी का जायजा लिया। DC लाहौर मोहम्मद अली की पोलियो वर्कर्स की सख्त मॉनिटरिंग की हिदायत। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में आमद। चीफ जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी ने यूनिवर्सिटी में दाखिल होने वाले तलबा और तालिबात से हल्फ लिया। तकरीब में जस्टिस शहराम सरवर चौधरी, वाइस चांसलर प्रोफेसर महमूद अयास की भी शिरकत। और CEO LWMC अली नानकमर का रावी टाउन का दौरा, मछली मंडी, मोची गेट, शाह आलम मार्केट और मलहका इलाकों में सफाई इंतजामात का जायजा लिया। अली अनान कंवर की 3 बिन प्रोजेक्ट पर काम करने वाले वर्कर्स को कैश इनाम देने की भी हिदायत।